Okay guys, let's resume after break. तो इंटरेस्ट का आपने दो अमेंडमेंट डिस्कस कर लिए, एक था 234F, एक नया सेक्शन, एक था 234C, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस हुआ. 234F था फीस का सेक्शन, 234C था इंटरेस्ट का सेक्शन. अब नेक्स्ट चैप्टर मूव करते हैं जिसका नाम है चैप्टर 6A डिडक्शंस. चैप्टर 6A डिडक्शंस, बहुत ही छोटा 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 अमेंडमेंट आया इसमें. चैप्टर 6A डिडक्शंस, सबसे पहला अमेंडमेंट 80CCD, किसमें 80CCD, कुछ याद आ रहा है? 80CCD मास्टर ब्लास्टर सेक्शन था. 80CCD 1, 80CCD 1B, 80CCD 2, फिर 80CCE, बहुत सारा कंफ्यूजन था. बट अमेंडमेंट बहुत छोटा सा है, बात को समझिएगा. अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन था, सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब सैलरी में नहीं है, खुद से इनकम कमाता है, ही इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन. तो सबसे पहले आप ये जानिए 80CCD क्या था. इट वॉज कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड, कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड. अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उनका मैक्सिमम लिमिट हुआ करता था 10% ऑफ GTI, 10% ऑफ GTI. और अगर सैलरीड क्लास में है वो, मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी कमाता है, उसके लिए मैक्सिमम लिमिट था 10% ऑफ सैलरी. इतना तो पता है आपको. और अगर आपको याद होगा एक सेक्शन था इसी के बाद 80CCD 2, ये बोलता था एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन. मैं क्या बोला? एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू वॉट? टू पेंशन फंड. ये भी लिमिट क्या था? 10% ऑफ सैलरी. कुछ याद आ रहा है? और ये वो 80CCE का ओवरऑल लिमिट में नहीं आता. तो आपको याद है ना 80CCE क्या था? 80CCD 1 प्लस, याद आ रहा है आपको? रेस्ट्रिक्शन था, आपने 80CC में पढ़े थे कि आपका ओवरऑल डिडक्शन 150,000 से बेसी नहीं हो सकता. मैं वही बात कर रहा हूं. गाइस प्लीज समझिएगा, डोंट यू थिंक कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके साथ नाइंसाफी हो रही है. क्या नाइंसाफी हो रही है? जो एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयड है, उसको तो आप 10% इधर भी दे रहे हो और 10% इधर भी दे रहे हो, बट जो एम्प्लॉयड सेल्फ है उसको आप खाली 10% दे रहे हो. तो दिस कॉल फॉर एन अमेंडमेंट, इसको कर दिया गया 20%. मैंने आपको रीजन भी बताया कि 20% क्यों हुआ है. ये 20% हो गया है ग्रॉस टोटल इनकम का 20%. दैट्स द अमेंडमेंट. जो लिमिट था वो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए बढ़ा दिया गया. प्लीज देखिए, कंट्रीब्यूशन मेड बाई पर्सन towards pension fund is deductible subject to 20% of GTI. पहले कितना था? 10%. ठीक है. Second, 80CCG में amendment आया है. बोलिए 80CCG क्या था? Investment in shares. Listed units. ऑफ राजीव गांधी. अभी भी याद नहीं आया? नहीं आता है सच में? क्या था राजीव गांधी? इक्विटी ओरिएंटेड वाला था. ये भी एक इक्विटी ओरिएंटेड फंड ही है, बट एक प्रिस्क्राइब फंड था ना 80CCG. राजीव गांधी बिल्कुल भी पढ़ के नहीं आए आप लोग. क्या इनकम टैक्स में अमेंडमेंट है तो छोड़ दो, बट जो बेसिक सेक्शंस था वो तो आपको पढ़ के आना चाहिए था. राजीव गांधी इक्विटी फाउंडेशन सेविंग स्कीम 2013, कुछ याद आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं.
इन्वेस्टेड इन लिस्टेड यूनिट्स ऑफ राजीव गांधी फाउंडेशन स्कीम 2013, इसका क्या प्रोविजंस पढ़े थे आप? इसका कंडीशंस था कब, किसके अंदर में आपको डिडक्शन मिलेगा, कब डिडक्शन मिलेगा बताइए? जब आप एक नए रिटेल इन्वेस्टर हो, जब आप एक नए रिटेल इन्वेस्टर हो, आपका ग्रॉस टोटल इनकम 12 लाख से बेसी नहीं है, याद आ रहा है कुछ? आपका ग्रॉस टोटल इनकम 12 लाख से बेसी नहीं है, आप यूनिट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप यूनिट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, इसका आपको क्या मिलेगा? 50% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपको डिडक्शन मिलेगा, लेकिन दिस अमाउंट शुड नॉट एक्सीड 25,000 रुपया, और ऐसा आपको 3 साल तक मिलता रहेगा जब से आपने इन्वेस्टमेंट किया। कुछ याद आ रहा है? ये तो सेक्शन आप ऑलरेडी पढ़ चुके थे 80CCG में, बस आपको अमेंडमेंट बता देता हूँ, अब असेसमेंट ईयर 18-19 से ये सेक्शन को नॉट एप्लीकेबल कर दिया गया। इसका ये मतलब नहीं कि सेक्शन डिलीट हो चुका है, प्लीज सोचिएगा, मेरे को 2 मिनट दीजिएगा, सोचिएगा मेरे साथ साथ। असेसमेंट ईयर 18-19 में अगर हम फ्रेश इन्वेस्टमेंट करता है, फ्रेश, तब मेरे को इसके अंदर डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन जो पुराना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और जिसका 3 साल का काउंटिंग इस साल में आ रहा है, डोंट यू थिंक उसमें मिलेगा? यू गॉट माई पॉइंट? फ्रेश इन्वेस्टमेंट करो इसी साल, जब मतलब ये जो साल चल रहा है इसमें मैं किया, मेरे को कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। बट मैं 17-18 मतलब पुराने साल में, असेसमेंट ईयर 17-18 में अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उसका तीसरा साल तो चलता रहेगा ना, 18-19 और 19। मेरे को उस बात समझ में आ रहा है गाइस? तो बस यही बोला गया कि अगर आप 17-18 के पहले को इन्वेस्टमेंट किए हो, डोंट वरी, उसका आपको जो डिडक्शन है वो सब्सिक्वेंट ईयर में मिल जाएगा। बट फ्रेश इन्वेस्टमेंट अगर आप 18-19 में कर रहे हो तो आपको इसके अंदर सेक्शन, इस सेक्शन के अंदर में डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो बताइए कौन सा लास्ट ईयर होगा जब तक इसका डिडक्शन चलता रहेगा? आपका मैथ्स क्या बोलता है? 1920, करेक्ट। मैथ्स बोलता है कि 1920 के बाद तो ये सेक्शन दिखेगा ही नहीं इनकम टैक्स एक्ट में, बिकॉज अगर कोई मैक्सिमम लेटेस्ट एसएससी इन्वेस्ट किया होगा तो 17-18 में किया होगा, और 17-18, 18-19, 19-20 तीन साल उसको मिल गया, 19-20 के बाद उसको नहीं मिलेगा। लॉजिक समझ में आया? प्लीज बोलिए, आप पढ़िए। डिडक्शन इज नॉट अलाउड फ्रॉम AY 18-19 SSE who has acquired listed equity shares या listed units of an equity oriented fund, मतलब राजीव गांधी सेविंग स्कीम, and claim deduction till AY 17-18 shall be allowed deduction till AY 19-20 if he is otherwise eligible to claim deduction। मुझको बात बताइए, ये gross total income का condition हर साल fulfill होना पड़ेगा, अगर वो next year 12,50,000 income कमाया तो deduction हट गया। मतलब इसका सनसेट क्लॉज क्या है, इसका सनसेट ईयर क्या है? AY, मतलब अगर वो मिस भी कर दिया तो उसका गलती है। AY 1920 के बाद 1 रुपए का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा इस सेक्शन में। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स पे एप्लीकेबल नहीं है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स तो एनीवेज ये नहीं मिलेगा। गाइस समझ में आ रहे? 80CCG पक्का? 80G याद आया? डोनेशंस अगर आप करते हो तो आपको डिडक्शन मिलता है। 100% 50% दो केस होता था, एक होता था 100% वाला, एक होता था 50% वाला, वो भी विथ लिमिट विदाउट लिमिट। विदाउट लिमिट था 150, विथ लिमिट था 150। ओवरऑल एटीजी में अपने एक चीज पढ़े थे कि कैश डोनेशंस अगर 10,000 से बेसिक है तो उस पर डिडक्शन नहीं मिलेगा। वो 10,000 को चेंज कर दिया गया है 2,000 रुपया में, वो 10,000 को चेंज करके दिया गया है 2,000। तो देखिए, डोनेशंस इन कैश एक्सीडिंग 2,000 शैल नॉट बी अलाउड एज इन एनी डिडक्शन। पहले क्या था? 10,000 था, अब इसको कर दिया है 2,000 फॉर 80G। ठीक है गाइस, सुनिए, रिसेंटली सीए के सिलेबस में बहुत सारा डिलीशंस हुआ है, मतलब बहुत सारा जो सेक्शंस है जो सीएस और सीएमए में एप्लीकेबल है वो सीए में एप्लीकेबल नहीं है। तो मैं वो सारे सेक्शंस बिल्कुल लास्ट में कराऊंगा जो सीए स्टूडेंट्स पे एप्लीकेबल नहीं है। जैसे 80IAC, ये सब टैक्स हॉलीडेज इनका पुराना टर्म तक एप्लीकेबल था, बट May 18 ऑनवर्ड्स दिस सेक्शन आर डिलीटेड फ्रॉम देयर कोर्स। बट इसका ये मतलब नहीं आपको नहीं कराया जाएगा, जो बाकी कोर्स है CS and CMA उसमें अभी भी है। तो ये सारे सेक्शन मैं टूवर्ड्स एंड डील करूंगा, ठीक है? पहले जो कॉमन पोर्शन है जो तीनों कोर्स में उसको पहले लेके चलते हैं, ठीक है? खुशी चेरी आ गई सीए के सिलेबस में। हाँ सॉरी, आइए टीडीएस, आइए टीडीएस
सबसे ज्यादा अमेंडमेंट्स इसी चैप्टर में है। सुनिए, मेरे साथ ध्यान देंगे स्नेहा, मैंने आपको 45-5 एक सेक्शन पढ़ाया था ना, 45-5 एक सेक्शन पढ़ाया था। एक लैंड एंड बिल्डिंग का ओनर है, दूसरे रियल एस्टेट डेवलपर को लैंड एंड बिल्डिंग ट्रांसफर कर रहा है, बदले में उसे उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का शेयर मिल रहा है लैंड और बिल्डिंग, और कैप गेन्स कब टैक्सेबल होगा, जिस साल कंप्लीशन सर्टिफिकेट इश्यू हुआ, जिस साल कंप्लीशन सर्टिफिकेट इश्यू हुआ, प्रोवाइडेड वो बीच में ट्रांसफर नहीं कर देता, उसके हाथ में कैप गेन्स क्या होगा, डीम टू बी सेल कंसीडरेशन व्हाट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ दैट शेयर प्लस कैश। मिस्टर ए मिस्टर बी, मिस्टर ए ने ट्रांसफर किया तो मिस्टर बी पेमेंट करेगा ना कैश में, उसमें टीडीएस कटेगा, किसमें कटेगा, कैश वाला पार्ट में, किस वाला पार्ट में, कैश वाला पार्ट में टीडीएस कटेगा। बस यही चीज टीडीएस का एक नया सेक्शन बन गया, बोल दिया 10% टीडीएस कटेगा अंडर सम सेक्शन विच इज अ स्पेसिफाइड अग्रीमेंट अंडर 45-5A। मैंने आपको बताया था 45-5A का कनेक्शन किससे है, टीडीएस से है। तो प्लीज कम टू पॉइंट नंबर 2 ऑफ टीडीएस, लेट्स रीड। एनी पर्सन पेइंग टू रेसिडेंट एनी सम ऑफ कंसिडरेशन नॉट इन काइंड, ऊपर लिख दीजिए कैश, कैश काइंड समझ में आ गया ना, उस केस में काइंड भी मिल रहा था शेयर, बट आप टीडीएस किस में काट रहे हो, कैश, अंडर द अग्रीमेंट स्पेसिफाइड अंडर 45-5A, या प्लीज लिख दीजिए लिंक विथ कैपिटल गेन्स, लिंक विथ कैपिटल गेन्स, लिंक विथ कैपिटल गेन्स। इसका कोई लिमिट वेमिट नहीं है, हाँ कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, 10% टीडीएस फ्लैट कटेगा, डिडक्ट टैक्स एट द रेट ऑफ 10%। गाइस मेरे को बोलिए, एक सेक्शन था 194I, एक सेक्शन था 194IA, एक सेक्शन था 194LA, और अभी कौन सा सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है, 194I किसका था, IA किसका था, ट्रांसफर ऑफ याद है तो इमोबाइल प्रॉपर्टी, 194LA किसका था, कंपल्सरी एक्विजिशन। अब 194IA बात को प्लीज समझिएगा, 45-5A में क्या ट्रांसफर हो रहा है, लैंड और बिल्डिंग विच इज अ इमोबाइल प्रॉपर्टी, तो हो सकता था 194IA इसमें कूद जाता, तो अगर 194IA कूद जाता तो आईसी का कोई वैल्यू नहीं रहता, तो आईसी बोला अगर हम किसी चीज में लग रहा है तो आइए तुम शांत रहो, आइए आईसी क्या बोला, आइए को बोला कि आइए तुम शांत रहो अगर हम किसी चीज पे लग रहा है, मतलब 194IC जब एप्लीकेबल हो रहा है उस ट्रांजैक्शन पे आइए एप्लीकेबल, मतलब दो सेक्शन पे एक ही ट्रांजैक्शन पे टीडीएस नहीं कर सकता है, सॉरी अलग अलग, करेक्ट। इसका सबसे ज्यादा लिमिट और सबसे कमती रेट है 1%। 194IC किस पे लगेगा, जब 194IA एप्लीकेबल नहीं होगा। देखिएगा इस बात को प्लीज ध्यान दीजिएगा, दोनों केस में इमोबाइल प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन ये कौन सा केस है 194IC, एक स्पेसिफाइड अग्रीमेंट जो कि खाली सेक्शन 45-5A के लिए आया है। आई होप यू आर क्लियर कंसेप्चुअली। हाँ देखिए नेक्स्ट लाइन ये लिखा है, सेक्शन 194I डू नॉट गेट अट्रैक्टेड इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरी इन केसेस कवर्ड अंडर 194IC। तो 194IC इज होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर 45-5A, एंड जो मैंने आपको 45MA में कराया था ये बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। स्पेसिफाइड अग्रीमेंट का मतलब लिख लीजिए, सेम एज कैप गेन्स, सेम एज कैप गेन्स, सिमिलर टू कैप गेन्स चैप्टर। ठीक है, ये सारे सेक्शंस में ना बहुत ताबड़तोड़ मचा है फाइनेंस एक्ट 17 में, अभी सब पता चलेगा आपको। तो समझ में आ गया, 194IC एक नया सेक्शन।
गाइस सुनिए, 194 एलए अभी भी डिस्कस किए थे ना, क्या था? कंपल्सरी एक्विजिशन, by government of immovable property other than, correct, other than agricultural land. इस पे TDS कटता है, सुनिए, एक एक्ट है RFCTLARR, ये शॉर्ट फॉर्म एक्ट का, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, सुन लीजिए. गवर्नमेंट कभी कभी फेयर मैनर में कोई प्रॉपर्टी को कंपल्सरी एक्वायर करता है. तो एक स्पेसिफाइड सेक्शन है 96, क्या बोला, स्पेसिफाइड सेक्शन है 96 इस पर्टिकुलर एक्ट का, सुनिए मेरा बात. ये एक्ट बोलता है कि अगर इस तरीके से कोई भी चीज कंपल्सरी एक्वायर हो रहा है, उसके उसके परसुएंट में अगर आपको कॉम्पनसेशन मिल रहा है, तो उस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा. कौन एक्ट बोलता है? ये एक्ट बोलता है. बट आज तक इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन नहीं बोला, अब बोल दिया, यही अमेंडमेंट है. आज तक इनकम टैक्स सेक्शन नहीं बोला कि जो इस एक्ट में लिखा हुआ है मैं उसको एग्जेम्प्ट करता हूं. अरे बोलिए, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप पढ़ रहे हैं, वही वाला चीज है. बात समझ में आ रहा है? अरे बोलिए, तो एक सेक्शन ये उसमें डाल दिया गया कि इस एक्ट के अंदर अगर कोई कॉम्पनसेशन मिल रहा है तो दैट इज अ प्योरली एग्जेम्प्ट, दैट इज प्योरली एग्जेम्प्ट. प्लीज आ जाइए, देखिए 194 LA पॉइंट नंबर 4, TDS इज नॉट एप्लीकेबल वेयर पेमेंट इज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अवार्ड और अग्रीमेंट विच हैज बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लेवी ऑफ इनकम टैक्स अंडर 96 ऑफ This Act 2013. ठीक है, घर पे पढ़ लीजिएगा प्लीज, इट्स वेरी सिंपल. ये पर्टिकुलर एक्ट के तहत अगर कोई कॉम्पनसेशन मिल रहा है तो उस पर TDS नहीं कटेगा, उस पर इनकम टैक्स ही नहीं लगेगा. ठीक है, एनी डाउट्स? ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन बहुत सिंपल, 194J अपना सेक्शन था, याद है, प्रोफेशनल सर्विसेस. एक ही छोटा सा अमेंडमेंट है, इसका रेट क्या था? रेट क्या था? 10%. कितना था रेट 194J में? कितना था? 10%. एक छोटे से लोगों के लिए इसका रेंट आ गया है, TDS का रेंट रेट आ गया है 2%. प्लीज पढ़िए खुद से, रीड इट योरसेल्फ, अमेंडमेंट नंबर 3 ऑफ TDS. अगर आप किसी कॉल सेंटर वालों से सर्विसेज, कॉल सेंटर समझ गए ना, कॉल सेंटर जिनका काम है बिजनेस ऑफ कॉल सेंटर, उनसे अगर आप कोई सर्विसेज ले रहे हो तो आप उनको पेमेंट करोगे, तो TDS 10% बहुत ज्यादा बर्डन आ जाता था उन लोग के ऊपर, बिकॉज वो लोग छोटे छोटे व्यापारी होते थे, छोटे छोटे सर्विस प्रोवाइडर होते थे. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 10% का रेट बहुत ज्यादा था, उसको कम कर दिया है 2%. मतलब ये किस पे डिपेंडेंट है? ये डिपेंडेंट है पेई पे, कि पेई कौन है, क्या है, आपको भी याद होगा 30,000 का लिमिट तो है सबका अलग अलग, FPS का अलग, लेकिन डायरेक्टर के लिए कोई लिमिट नहीं होता है. लेकिन अगर कॉल सेंटर है तो 10% का रेट नहीं लगेगा, 2% का रेट लगेगा, बस. दैट्स द ओनली अमेंडमेंट इन 194J. ठीक है, सो दिस इज डन. अब पक्का फटाक से वो A4 वाला शीट में आ जाइए, A4 वाला शीट में आ जाइए. Can anyone tell me, non-resident के हाथ में कौन सा income taxable होता है इंडिया में? Non-resident के हाथ में कौन सा income taxable होता है इंडिया में? The chapter is scope of total income. Sorry? हाँ बोलो. Super answer. अगर आप income accrue हो रहा है आपका इंडिया में, कहाँ पे हो रहा है? इंडिया में. या तो आपका इनकम रिसीव हो रहा है इंडिया में, तो ही आपका माना जाता है एक इंडियन सोर्स इनकम, और आपका नॉन रेसिडेंट के हाथ में ये इनकम टैक्सेबल हो जाता है. बस इसी में छोटा सा अमेंडमेंट आया है गाइस. आप ये नाम
ये प्लीज ध्यान दीजिए, प्लीज डोंट टॉक बिटवीन ईच अदर, प्लीज मैं देखे जा रहा हूं बार बार आप लोग दोनों को. दिस वाज लास्ट वार्निंग, केशव एंड मयंक. एक अकाउंट होता है नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, जिसको अपने और एक नाम से जानते हैं, एनआरई अकाउंट. कौन सा अकाउंट? एनआरई अकाउंट. कुछ याद होगा, इसका इंटरेस्ट इनकम एग्जेम्प्ट होता है, इनकम टैक्स ऐड किया. सबसे पहले समझिए अकाउंट क्या है. ये मान लीजिए मैं फॉरेन आता जाता रहता हूं, मतलब इंडिया से फॉरेन, फॉरेन से इंडिया आता जाता रहता हूं, मेरे को यहां पैसे की रिक्वायरमेंट होती है इंडियन रुपीज में, तो पॉसिबल है क्या बार बार डॉलर लेके जाओ, बार बार डॉलर लेके आओ, कन्वर्ट कराते रहो? मैंने क्या डिसाइड किया, मेरे को आरबीआई ने एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज दी, क्योंकि मैं एक नॉन रेसिडेंट हूं, कि आप एक अलग कैटेगरी का अकाउंट खुलवाइए जिसका नाम है एनआरई अकाउंट, जिसका नाम है एनआरई अकाउंट. उस एनआरई अकाउंट का खास बात यह है कि वो पैसा आपका डॉलर में इंडिया में पड़ा रहेगा, आपको बार बार ले जाना आना नहीं पड़ेगा. आप जब इंडिया छोड़ के जाएंगे, इस पैसा में मजे से आप अकाउंट में सेव करके जाइए, वापस से इंडिया होगे, इस अकाउंट से यूज करिए, आपको बार बार फॉरेन करेंसी अप डाउन नहीं करवाना पड़ेगा. तो इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस, मैं क्या करता हूं, एज अ नॉन रेसिडेंट मैं अपना अकाउंट में पैसा डलवा देता हूं. इसी कारण इसके ऊपर जो ब्याज इनकम आती है, जो मेरे को इंडियन बैंक देता है, मेरे को उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता. अब ये कंसेप्ट समझ गए एनआरई अकाउंट का, कि डॉलर को आप इजिली कन्वर्ट करा सकते हो इंडियन रुपी में अगर आपका एनआरई अकाउंट. ये जनरली विदेशी लोग रखते हैं इंडिया में, इंडियन बैंक में. अब प्रॉब्लम क्या है सुनिए, एक जहाज शिप जिसमें विदेशी लोग काम कर रहे हैं, इंडियन शिप में विदेशी लोग काम कर रहे हैं, यानी क्रू मेंबर्स आर बाहर के लोग, तो उनको पैसा मिलता था और वो पैसा उनको इस एनआरई अकाउंट में मिलता था. क्यों पैसा मिलता था? क्योंकि वो इंडियन शिप में सर्विसेज दे रहे हैं. कुछ याद आ रहा है? इंडियन शिप में सर्विसेज दे रहे. कंडीशन नंबर टू, फॉर रेसिडेंशियल स्टेटस बेसिक कंडीशन नॉट एप्लीकेबल. जब कोई मेंबर ऑफ क्रू एंड इंडियन शिप इंडिया छोड़ के जा रहा है, इंडियन शिप गोइंग अब्रॉड, तब स्पेशल केस कंडीशन नंबर टू इज नॉट एप्लीकेबल. बट ये अमेंडमेंट क्या है सुनिए, इसमें एक चीज बोला, हे नॉन रेसिडेंट जो तुम इंडियन शिप में काम कर रहे हैं, उसके लिए जो भी तुम्हें पैसा मिल रहा है और तुम जो एनआरई अकाउंट में जो तुमको पैसा मिल रहा है, तब तो डोंट यू थिंक वो इनकम रिसीव हो गया इंडिया में एनआरई अकाउंट में, इस वजह से उसका इनकम टैक्सेबल हो जाएगा क्या इंडिया में? होता, बट अब नहीं होगा. क्लैरिफिकेशन आ गया, जस्ट बिकॉज आपके एनआरई अकाउंट में पैसा गया है. मैं तो एनआरई अकाउंट कोई और ऑब्जेक्टिव से खोला था, अब वो इंडियन बैंक में मेरा अकाउंट खुला हुआ है, तो इंडियन गवर्नमेंट क्या की, मेरे को पैसा दे दिया. जो भी आदमी जो एनआरई अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करा दिया, हम वो मेरा इनकम मान लिया जाएगा क्या, जस्ट बिकॉज मैंने इंडियन अकाउंट में रिसीव किया है? द आंसर इज नो. तो एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन आया, प्लीज एक बार वर्ड डॉक्यूमेंट खोले, A4 डॉक्यूमेंट खोलेंगे. एग्जेम्पशन फ्रॉम इनकम टैक्स एक सर्कुलर है, प्लीज रीड करिए. नॉन रेसिडेंट सी फारर मतलब जो शिप में काम करता है, रिसीव कर रहा है रेम्यूनरेशन इन एनआरई अकाउंट. अंडरलाइन करिए एनआरई, दैट्स द कैच. नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट मेंटेन्ड विद एन इंडियन बैंक. ये एक सर्कुलर आया था, आपको नंबर डेट्स कुछ लर्न नहीं करना है, एक सर्कुलर है. आई होप यू नो सीबीडीटी का सर्कुलर मतलब, इन ऑर्डर टू इंटरप्रेट द लॉ, कि लॉ का जो पर्पस है उसका इंटरप्रिटेशन को चेंज करने के लिए सर्कुलर्स आता है. देखिए सेक्शन 5 में ऑलरेडी लिखा है. सेक्शन 5 कौन सा बात करता है, जो भी हमने डिस्कस की ना, अक्रू रिसीव वाला बात, ये सेक्शन 5 ही बोलता है. प्रोवाइड्स दैट ओनली सच इनकम ऑफ अ नॉन रेसिडेंट शैल बी सब्जेक्टेड टू टैक्स दैट इज आइदर रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड. मतलब जितना वो इंडिया में रिसीव कर रहे इनकम, दैट विल बी टैक्सेबल. अब सर्कुलर क्या बोला, कि सैलरी अक्रूड टू अ नॉन रेसिडेंट सी फारर फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया ऑन अ फॉरेन गोइंग शिप. मतलब समझ में आया आपको, जितना दिन जहाज इंडिया के बाहर था और जो वो शिप में प्रोवाइड किया सर्विसेज इंडिया के बाहर में और वो रेम्यूनरेशन उसको मिला, इट शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम मियरली बिकॉज द सेट सैलरी हैज बीन क्रेडिटेड इन द एनआरई अकाउंट मेंटेन विद एन इंडियन बैंक
by the seafarer. Like just because उसके bank account में पैसा आ गया है, just because उसके bank account में पैसा receive हुआ है, इसी कारण से हम उसके हाथ में income tax नहीं लगा सकते. तो एक छोटा सा circular है, I hope you understood this point guys. ठीक है, ये अपने already cover कर चुके हैं point number 2, इसको ignore करेंगे. Point number 3 में आइए, important mark करिए इसको, important mark करिए इसको. गाइस डिविडेंड अगर आपको याद होगा, देर आर टू साइड्स ऑफ द स्टोरी. एक है 222 ए बी सी और डी, और एक है 222 ई. मैं बात कर रहा हूं 222 ई का. 222 ए की चीज बोलता था, इफ यू रिमेंबर. छोटा सा अमेंडमेंट है, अगर एक कंपनी अपने शेयर होल्डर को लोन्स एंड एडवांस दे रहा है, कौन से शेयर होल्डर को, जो उसमें 10% से बेसी होल्ड करके रखा है, या फिर वो कंपनी किसी कंसर्न को लोन दे रहा है जहां पे वो शेयर होल्डर का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है. सब्सटैंशियल इंटरेस्ट बोले तो मोर देन 20%, या फिर वो उस पर्टिकुलर कंसर्न का पार्टनर है, तो ये क्या मान लिया जाता था, डीम डिविडेंड. क्या इसके ऊपर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स लगता था? द आंसर इज नो, नहीं लगता था. इस पे उल्टा होता था. नॉर्मली आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कंपनी को देनी पड़ती है, इसलिए 1034 का एग्जेम्पशन मिलता है. आपको समझ में आ रहा है मैडम? कुछ नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज जिनको ये क्लास नहीं समझ में आ रहा है, आप प्लीज फिर से इसका बैकअप क्लासेस कर लीजिएगा. आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि इसको यूट्यूब में भी अपलोड कर दूं, तो प्लीज फिर से कर लीजिएगा, क्योंकि आप नहीं पढ़ कर आए हैं, इट इज स्वाभाविक कि आपको नहीं समझ में आएगा. एनी अमेंडमेंट क्लास है, मेरे को अमेंडमेंट्स कराना होगा, मैं पूरा पूरा सेक्शंस नहीं करा सकता, बट फिर भी जितना पॉसिबल है मैं करा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड नहीं हो. इट्स हाई टाइम यू प्लीज प्रिपेयर योर सेल्फ. ठीक है, एंड देन सी अमेंडमेंट क्लास अगेन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्लीज एवर ट्राई टू अंडरस्टैंड, पे अटेंशन इन द क्लास. 1034 याद है, अगर आपका 222 एबीसीडी वाला डिविडेंड है तो आपके ऊपर क्या लगता था, कंपनी के ऊपर क्या लगता था, सीडीटी. आई रिक्वेस्ट स्पेशली दो स्टूडेंट जो पढ़ कर रहे हैं, प्लीज रिप्लाई करिए. कंपनी के ऊपर क्या लगता था, सीडीटी. अगर कंपनी के ऊपर सीडीटी लगता था तो डिविडेंड इनकम क्या हो जाता था, एग्जेम्प्ट. किस सेक्शन में, 1034. यही तो चीज पढ़े थे अपने, 1034 सब्जेक्ट टू 115 बीबीडीए. ये तो स्टोरी का बात ही नहीं है, ये स्टोरी खत्म. मैं स्टोरी का बात करूं 222 ई का, इसमें सीडीटी नहीं लगता था, लेकिन जो शेयर होल्डर है उसके ऊपर टैक्स लग जाता था. अब सुनिए गाइस, मेरा बात सुनिए, अगर एक कंपनी अपने शेयर होल्डर को लोन दे रहा है, हो सकता है वो कोई कमर्शियल नेचर का एडवांस हो, मतलब उस डायरेक्टर को पैसे देने थे 25 लाख रुपए रेम्यूनरेशन, मैंने आज ही उसको एडवांस दे दिया 50 लाख रुपया, क्या मैं नहीं दे सकता क्या, क्या इस पे भी आप डिविडेंड लगा देंगे क्या? यानी कंपनी शेयर होल्डर को कुछ पैसे ही नहीं दे सकता. सॉरी मैं डायरेक्टर नहीं बोला, मैं शेयर होल्डर बोलना चाह रहा था, शेयर होल्डर को. यानी कमर्शियल नेचर का एडवांस दे रहा, मतलब इसमें कोई भी आउटसाइड बिजनेस नहीं, एवरीथिंग इज इन रिलेशन टू द बिजनेस. आज मान लीजिए सिंपल सा बात है, आप पार्टनर हो, आपका एक पार्टनरशिप फर्म है, आप एक पार्टनर हो, आप मेरे कंपनी में शेयर होल्ड करके रखे हो 10% से ज्यादा. बात समझ में आया, आपका एक फर्म है, मैं आपका कंपनी हूं जिसमें आप 10% से ज्यादा शेयर होल्ड करके रखे हो. मैं उस पार्टनरशिप फर्म से जिसमें आप पार्टनर हो, मैंने उनसे कुछ गुड्स खरीदा या गुड्स बेचा, उसके वजह से मैंने उनको क्या दिया, एडवांस दिया, क्या ये भी डीम डिविडेंड मान लेंगे क्या? इसी के ऊपर सर्कुलर आया कि डीम डिविडेंड नहीं लगेगा अगर एडवांस इज इन द नेचर ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शंस. क्लियर हुआ? प्लीज बोलिए. आइए, ट्रेड एडवांस नॉट टू बी ट्रीटेड एज डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222E. जो पहला पैरा पैरा है वो पूरा प्रोविजन है, वो मैं रिपीट नहीं करा रहा, ये प्रोविजन डिट्टो है, लेकिन जो नीचे वाला पोर्शन है, दैट इज द अमेंडमेंट. प्लीज रीड इट. द सीबीडीटी वाइट द सर्कुलर क्लैरिफाइड दैट इट इज अ सेटल्ड पोजिशन दैट ट्रेड एडवांसेज विच आर इन द नेचर ऑफ कमर्शियल ट्रांजेक्शन वुड नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ द वर्ड एडवांस इन सेक्शन 222E, एंड देयरफॉर द सेम वुड नॉट बी ट्रीटेड एज डीम डिविडेंड. अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया, बोला कि जो एडवांस का नेचर है ये बिल्कुल 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 कमर्शियल है, तो प्लीज
डू नॉट अप्लाई योर डिविडेंड डीम डिविडेंड, एंड आपको इसके सर्कुलर के बेसिस पे आंसर देके आना पड़ेगा. बस 2-3 अमेंडमेंट बचा है, देन वी आर ऑफ. टीडीएस एक इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट है. क्लबिंग याद है? मिस्टर ए के मम्मी पापा, मिस्टर ए माइनर चाइल्ड है, मतलब मास्टर ए माइनर चाइल्ड है, उनके मम्मी पापा का देहांत हो गया, उनके मम्मी पापा को कुछ इंटरेस्ट इनकम आता था. क्या आता था? इंटरेस्ट इनकम आता था. तो मिस्टर ए के मम्मी पापा के ऊपर कोई इंटरेस्ट इनकम आता था. अब क्या हुआ, देहांत होने के बाद वो इंटरेस्ट इनकम माइनर चाइल्ड को मिल गया, वो इंटरेस्ट इनकम माइनर चाइल्ड को मिल गया. अब जब मिस्टर ए के मम्मी पापा को इंटरेस्ट मिलता था तो उसमें टीडीएस भी कटता था. अरे बोलिए, तो डोंट यू थिंक सो, अगर माइनर चाइल्ड के हाथ में इनकम जा रहा है तो माइनर चाइल्ड को उसमें कटा हुआ टीडीएस का क्रेडिट भी मिलेगा. एक बार पढ़िए आप, ये आप पढ़िए, आप ये पढ़िए पहले. रीड दिस पॉइंट नंबर 4 प्लीज, प्लीज रीड इट. टीडीएस क्रेडिट मतलब समझ गए आप? पहले ये समझना जरूरी है तभी अमेंडमेंट समझ में आएगा. क्या होता है टीडीएस क्रेडिट? मेरे हाथ में एक टैक्स लायबिलिटी आता है लास्ट में, प्लीज बोलिए, बट क्या पूरा का पूरा वही जमा करना होता है क्या मेरे को? मेरे को क्रेडिट मिलता है किसका? सबसे पहले एडवांस टैक्स जो मैं पे किया हूं साल में, प्लस मेरे इनकम पे जो टीडीएस कटा है. मेरे इनकम पे जो टीडीएस, बताइए, जो इनकम पे टीडीएस कटा है, ये तो इनकम ऊपर है ना मेरा, और वो इनकम कौन सा होता था? ग्रॉस अप बेसिस पे होता था. किस पे होता था? यानी अगर आपका 1 लाख पे 20% टीडीएस कटा हुआ, मतलब आपको कितना मिला था? 80,000. तो ये 20,000 टीडीएस कटा है, तो 20,000 कहां लेते थे आप? इधर लेस करते थे. लेकिन इनकम पे आप कितना लेते थे? आप लेते थे पूरा 1 लाख. समझ में आ रहा है? ये सिचुएशन सबको पता है कि ग्रॉस अप बेसिस पे आप इनकम लेते हो, उसका जो टैक्स अमाउंट है उसका क्रेडिट आप अलग से लेते हो. ये कंसेप्ट समझ में आया? बस यही कंसेप्ट पे बेस्ड है सर्कुलर है कि अगर मिस्टर मास्टर ए के मॉम डैड डिजीज हो गए हैं, मतलब मर गए हैं, तो उनके ऊपर जो इंटरेस्ट इनकम आ रहा था वो मास्टर ए को मिलता है, तो इस पर्टिकुलर इनकम पे जो टीडीएस कटा है वो भी किसको मिल जाएगा? मास्टर ए को मिल जाएगा. सिमिलर है, उसके हाथ में इनकम है तो उसको क्रेडिट भी मिलेगा, उसके हाथ में इनकम नहीं तो उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा. जिसके हाथ में इनकम जाएगा उसको क्रेडिट मिल जाएगा. बस यही छोटा सा चीज है. लेकिन कब? जब दोनों का डेथ हो गया. ठीक है गाइस, प्लीज बोलिए. सिमिलरली सेम, बिल्कुल कॉपी पेस्ट. अगर आपको याद होगा सीजीडीएस, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम क्या था? क्या था? एक अलग से अकाउंट आप खुलवाते थे जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करते थे और आपको अंडर सेक्शन 54 सीरीज का एग्जेम्पशन मिल जाता था. बताइए, इस पे पैसा पड़ा रहता है आपका, आपको इसमें ब्याज भी मिलता है. क्या मिलता है? ब्याज भी मिलता है. हो सकता है कि आपका अकाउंट था, क्या था? आपका अकाउंट था, इसमें पैसा पड़ा हुआ है, मतलब कैप गेन डिपॉजिट अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ, इंटरेस्ट मिल रहा है. आज ही के दिन उस पर्सन का डेथ हो गया जिसका वो अकाउंट है,
उस पर्सन का डेथ हो गया जिसका ये अकाउंट है, बताइए इसके पहले तक का जो इंटरेस्ट है वो किसके हाथ में टैक्सेबल करेंगे आप? उसी पर्सन के हाथ में टैक्सेबल करेंगे, बिकॉज इसके पहले तक तो उसका वो जिंदा ही था, इसके पहले तक वो जिंदा ही था, तो बिफोर हिज डेथ जो इंटरेस्ट इनकम है वो पर्सन के हाथ में जाएगा और उसका टीडीएस क्रेडिट भी उस पर्सन को मिल जाएगा। लेकिन वॉट अबाउट आफ्टर डेथ? आफ्टर डेथ जो उसको इंटरेस्ट इनकम आ रहा है उसका क्या होगा? करेक्ट, उसके लीगल हेयर्स को मिलेगा, उसके लीगल हेयर्स को मिलेगा। वेरी गुड, समझ में आया? यही दूसरा अमेंडमेंट है, आप प्लीज एक बार पढ़ेंगे साथ में। डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑन इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स मेड अंडर कैप गेन डिपॉजिट स्कीम वेयर डिपॉजिटर हैज डिसीज्ड। तो इन केस ऑफ डिपॉजिट्स अंडर दिस स्कीम वेयर द डिपॉजिटर हैज डिसीज्ड, इंटरेस्ट इनकम अक्रूड फॉर एंड अप टू द पीरियड ऑफ डेथ, द टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एंड रिपोर्टेड अगेंस्ट पैन ऑफ द डिपॉजिटर, मतलब जिसका अकाउंट है, एंड इंटरेस्ट इनकम फॉर द पीरियड आफ्टर डेथ ऑफ द डिपॉजिटर, डेथ के बाद टीडीएस इज टू बी डिडक्टेड एंड रिपोर्टेड अगेंस्ट पैन ऑफ द लीगल एड्स। ठीक है गाइस, बस कौन कौन ट्रैवल किया है एयरपोर्ट में, मतलब एयरलाइंस में ट्रैवल किया है, एक चीज अगर आप देखें, एक पर्टिकुलर एयरलाइंस उड़ कब सकता है? जब एयरपोर्ट स्टाफ का हेल्प मिले, एयरपोर्ट स्टाफ समझ गए, एक तो जो बेल्ट वाला सर्विस देता है ग्राउंड बेल्ट, चेक इन वाला तो वो पूरा एयरलाइन का रहता है, बट जो ग्राउंड स्टाफ रहता है, जो आपका सामान जब आप चेक इन करते हो सामान आपका एयरलाइन में घुसाता है, बात को प्लीज समझिएगा, वो सर्विसेज प्लस जो जब आप जहाँ पे आपका वो प्लेन खड़ा रहता है तो नीचे जितने भी यू नो फ्यूल व्यूल भरते रहते हैं प्लेन में, तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी एयरलाइंस को बहुत सर्विसेज देता है, मतलब जिसका वो एयरपोर्ट है। मान लो नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट इज अ गवर्नमेंट स्टेक एयरपोर्ट, बट काफी एयरपोर्ट्स हमारे देश में से जो प्राइवेट ओन्ड है, जैसे बेंगलुरु एयरपोर्ट, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच इज इन बेंगलुरु, दैट्स अ प्राइवेट ओन्ड एयरपोर्ट, मतलब प्राइवेट बॉडी चलाती है, बट नेताजी सुभाष चंद्र इज गवर्नमेंट ओन्ड। तो बात को सिंपल से समझिएगा, आज जो एयरपोर्ट वाला है वो स्पाइसजेट को सर्विस दे रहा है, बोलिए स्पाइसजेट को सर्विस दे रहा है, तो देयर इज अ फीस, प्लीज दो मिनट अटेंशन दीजिए, जिसको अपने बोलते हैं पैसेंजर सर्विस फीस। क्या बोला? पैसेंजर सर्विस फीस, देखिए एक बार, पैसेंजर सर्विस फीस सुनिए, कभी भी अगर आप टिकट बुक किए हैं फ्लाइट्स का, तो ये खर्चा आपको अलग से दिख सकता है, जो आप पे एयरलाइंस चार्ज करता है। कौन चार्ज करता है? स्पाइसजेट चार्ज करता है आपसे, कि आपको सर्विस मिलेगी एक्स्ट्रा तो आपको चार्ज करेगा, और स्पाइसजेट को कौन चार्ज करता है? एयरलाइंस ऑपरेटर बेसिकली एयरपोर्ट अथॉरिटीज, ये एयरलाइन ऑपरेटर स्पाइसजेट को चार्ज करती है पैसेंजर सर्विस फी, PSF। अभी स्पाइसजेट इसको पेमेंट करता है, झगड़ा क्या हुआ? सुनो, झगड़ा ये हुआ, स्पाइसजेट को बोला गया कि तुमने रेंट के अंदर 194i के अंदर TDS क्यों नहीं काटा? स्पाइसजेट बोला क्यों? तो एसेसिंग ऑफिसर बोलते हैं तुमने रेंट दिया है, क्यों? क्योंकि एयरलाइन ऑपरेटर तुमको क्या अलाउ कर रहा है यूज करने के लिए? एक पर्टिकुलर डिमार्केटेड स्पेस, उसका फ्लाइट खड़ा है। और रेंट क्या होता है? कोई पर्टिकुलर चीज को यूज करने का खर्चा। तो एसेसिंग ऑफिसर बोलने लग गया कि नहीं, स्पाइसजेट तुमने गुना किया है, तुमको TDS काटना चाहिए, तुम रेंट पे कर रहे हो। स्पाइसजेट बोला सर एक सर्विस फी है, और सर्विस फी में आप रेंट को इंक्लूड नहीं कर सकते, बिकॉज सर्विस जो दे रहा है, अच्छा बात को समझिएगा, मैं आपको सर्विस दे रहा हूं अभी, मैं तो लैंड पे दे रहा हूं, तो रेंट पे करेंगे क्या? समझ गए, ये सर्विस किससे जुड़ा हुआ है? आपको लैंड पे ही खड़ा होकर मेरे को देना पड़ेगा सर्विस, या मैं आपको सर्विस दूंगा, तो उसका ये मतलब है कि मैं आपको रेंट पे कर रहा हूं। द आंसर इज नो, इट इज नॉट अ रेंट। तो इन शॉर्ट ये समझिए कि पैसेंजर सर्विस फीस, जो कि एक एयरलाइन स्पाइसजेट एयरलाइन ऑपरेटर को पेमेंट कर रहा है, उस पे TDS
नहीं कटेगा, इसको सर्कुलर ने क्लैरिफाई कर दिया है। आपको एग्जाम में इतना पूछ सकता है कि इतना पैसेंजर सर्विस भी पे किया, तो आपके दिमाग में आ जाने चाहिए अभी रिसेंट अमेंडमेंट आया है कि पैसेंजर सर्विस पे टीडीएस नहीं कटेगा। क्यों आया, कैसे आया, दैट इज नॉट रेलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स। तो पॉइंट नंबर सिक्स आप प्लीज देख लीजिए, लास्ट टेन खाली देख लीजिए कि 194 IA विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन पेमेंट ऑफ पैसेंजर फीस बाय एन एयरलाइन टू एयरपोर्ट ऑपरेटर। ठीक है, द लास्ट अमेंडमेंट एंड वी आर डिस्पर्स्ड। सुनिए, जीएसटी आया अभी अभी, पहले क्या था, सर्विस टैक्स। आपको पता होना चाहिए, कोई नया अमेंडमेंट नहीं है। ए ने बी को सप्लाई किया, ए ने बी को सप्लाई किया रेंट सर्विसेज। कौन सा सर्विसेज, रेंटिंग ऑफ इमुल प्रॉपर्टी। ए ने बिल बनाया, वैल्यू ऑफ सप्लाई 10 लाख रुपीज प्लस IGST मान लीजिए 1 लाख रुपीज, टोटल बिल बनाया 11 लाख रुपीज। अब बी को पता है कि बी को ए को पेमेंट करना है 11 लाख रुपीज, लेकिन बी का इनकम टैक्स बहुत अच्छा है, उसको पता है उसको 194 आई में टीडीएस काटना है। मुझे बताइए कि बी कितना अमाउंट पे टीडीएस काटेगा, 11 लाख पे काटेगा कि 10 लाख पे काटेगा कि कितना पे काटेगा, 10 लाख पे काटेगा। क्यों काटेगा 10 लाख पे, क्या 1 लाख पे टीडीएस नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि ये इनकम नहीं है सर, बी के लिए टैक्स रेवेन्यू नहीं है, ये तो गवर्नमेंट को जमा कर देगा, क्योंकि बी के लिए क्या है, ये तो गवर्नमेंट को जमा कर देगा। बात को प्लीज समझिएगा, ए जो है, ए का इनकम है क्या, आप टीडीएस किस पे काटते हो, इनकम पे काटते हो, तो ए के लिए तो 10 लाख इनकम है, 1 लाख तो आउटपुट टैक्स हो गया। ऐसा सर्विस टैक्स लॉ में भी था जो नवंबर में पढ़ के रखे हैं कि सर्विस टैक्स कंपोनेंट में जीएसटी टीडीएस नहीं कटता अगर सर्विस टैक्स कंपोनेंट अलग से दिखाया है, सेम कॉपी पेस्ट कर दिया जीएसटी के लिए, कि अगर जीएसटी का टैक्स कंपोनेंट अलग से दिखाया है तो टीडीएस जीएसटी कंपोनेंट पे नहीं लगेगा, लेकिन अलग से दिखाना पड़ेगा, अगर अलग से नहीं दिखाया तो पूरा अमाउंट पे टीडीएस कट जाएगा। ठीक है, बस यही है, देखिए कि टीडीएस ऑन अमाउंट पेड और पेबल विदाउट इंक्लूडिंग जीएसटी कंपोनेंट वेर इन टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, जब पेयर एंड पे कंपोनेंट ऑफ जीएसटी कंप्राइज इन अमाउंट पेबल टू रेसिडेंट इज इंडिकेटेड सेपरेटली। अगर आप बिल में सेपरेटली दिखा के रखे हो तो इस केस में आपके ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, सो दैट्स इट, ये एक छोटा सा अमेंडमेंट आप कर लेंगे। गाइस वेट, सो दैट्स इट फॉर द अमेंडमेंट पर्सपेक्टिव। लेकिन ये जो भी अमेंडमेंट किए अभी तक 3 दिन में, एवरीवन लिसन, ये वो सारे अमेंडमेंट्स है जो कॉमन है अक्रॉस CA CS एंड CMA। CMA का कोर्स इज ह्यूज, CS का कोर्स इज ह्यूज एज इन कंपेयर टू टैक्सेशन। कि CA के कोर्स में 100 मार्क का पेपर है, इनकम टैक्स 50 मार्क्स है ओल्ड कोर्स में, और न्यू कोर्स में 60 मार्क्स है सेम सिलेबस, बट CS के लिए 70 मार्क्स का इनकम टैक्स है, और उनका इनकम टैक्स भी एडवांस लेवल का है। तो जितने एडवांस लेवल टॉपिक्स है उसका अमेंडमेंट हम लोग अभी तक कवर नहीं किए, वो हम लोग को करना है। CMA जितने भी इनकम टैक्स के एडवांस लेवल चैप्टर्स है, जैसे असेसमेंट स्टेज हो गया, DTAA हो गया, इंटरनेशनल टैक्सेशन हो गया, उसका अमेंडमेंट्स अपने को सेपरेटली करना है। मेरे को सबसे पहले अटेंडेंस देखना है कि CA वाले बच्चे कितने अभी इस क्लास में। ठीक है, CS वाले, ठीक है, CMA कि आज कमती है, बट CMA तो है अपने पास। CS एंड CMA स्टूडेंट्स आप प्लीज ध्यान खोल के सुनेंगे, आज तक इस क्लास में जो भी अमेंडमेंट्स कर हुआ है इनकम टैक्स का, वो कॉमन चैप्टर्स का कवर हुआ है। जो भी आपके सिलेबस में एक्स्ट्रा है उसके लिए अपने को और क्लासेस करनी पड़ेगी फॉर अमेंडमेंट्स। ठीक है, मैक्सिमम 1 क्लास फॉर CS एंड CMA बोथ। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज गूगल क्लासरूम, जो मैंने आपको कल बताया था कोड, उसको ज्वाइन कर लीजिए। 1-2 दिन में एक डेट और टाइम आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा जिसमें वो एक्स्ट्रा क्लास, इट्स ऑप्शनल, आपको आना है तो आइए, नहीं आना है तो बताइए। माय ड्यूटी इज टू टीच, आई विल डू। मैं कंप्लीट अमेंडमेंट्स कवर कराऊंगा, बट फॉर दो स्टूडेंट जो आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन दैट एंड सीरियस,
तो ये कंपलसरी नहीं है, जिनको आना है वो आ सकते हैं। तो प्लीज ज्वाइन दैट गूगल क्लासरूम का वो पर्टिकुलर जो मैंने आपको बताया है कोड। बट मैं देखा खाली 24 स्टूडेंट ज्वाइन किए, काफी स्टूडेंट ज्वाइन नहीं किए हैं। तो जो स्टूडेंट ज्वाइन नहीं किए उनको इन्फॉर्मेशन भी नहीं जाएगा। जो स्टूडेंट ज्वाइन किए सीएस और सीएमए का वो क्लासरूम, आपको एक दो दिन में एक मैं बैच शेड्यूल देख लेता हूँ कौन सा टेंटेटिव टाइम है, आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। उसका अमेंडमेंट क्लासेस अलग से होगा फॉर सीएस एंड सीएमए। सीए के लिए आज सारा का सारा अमेंडमेंट्स कंप्लीट होता है। प्लस फॉर सीएस स्टूडेंट्स जो दिसंबर टर्म में अपीयर किए थे और जो अभी सेकेंड टाइम जून 18 टर्म में देंगे, उनका जीएसटी का सिलेबस भी काफी हद तक चेंज हो गया, मतलब इंक्रीज हो गया है। इफ यू नो सीएस वाज़ दी ओनली कोर्स जो दिसंबर में सीएस जीएसटी के हिसाब से एग्जाम दिए थे, बट उनका जो जून 18 का सिलेबस है उसमें काफी चेंजेस हो गया है। तो फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स, उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस होगा जीएसटी का। ये अमेंडमेंट से नहीं होगा, ये अमेंडमेंट तो खाली ये 6 महीना का नोटिफिकेशन था जो आपके एग्जाम के लिए एनीवेज एप्लीकेबल था। आपको स्ट्रक्चरल चेंज भी पढ़ना पड़ेगा जो सीएस के लिए एप्लीकेबल है। तो कितने सारे सीएस स्टूडेंट्स हैं, इसका भी अनाउंसमेंट अलग से जाएगा। जो सीएस का एक्स्ट्रा क्लासेस है अगर आपको करना है अलग से, विच इज जस्ट इंक्रीमेंट, मतलब उसमें पूरा जीएसटी कवर नहीं होगा। जो दिसंबर में नहीं था जो जून में है, खाली वो पोर्शन कवर होगा जिसमें आपका आईसीएसआई का स्टडी मैट भी रिक्वायर्ड होगा। तो आप प्लीज अपना आईसीएसआई का स्टडी मैट भी कैरी करेंगे, उसका भी अनाउंसमेंट आपको गूगल क्लासरूम में मिल जाएगा। ठीक है, एनी अदर डाउट्स? हम यार लाइव खड़ा और तुम मेरे को बैकअप में देखना चाह रहे हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, एक बार वेट करिए।